नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया, जहां से क्वेश्चन खूब बने हैं। इस कैलियोडॉन राना टिग्रीना अर्थात मेंढक की बात करेंगे और डॉग फिश की बात करेंगे और यूरोमास्टिक्स की बात करेंगे। इन तीनों को एक वीडियो में हम आप लास्ट करेंगे। इनमें उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो यहाँ से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि यदि आप हमारी मेंबरशिप लेते हैं 299 की, वन टाइम पे मेंबरशिप है, एक बार आपको मेंबरशिप देनी है 299, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, तो उसके बाद आपको ढेर सारे नोट्स मिल जाएंगे। टीजीटी पीजीटी के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, तो ये देखेंगे फ्री में नोट्स अवेलेबल हैं। और किसके अवेलेबल हैं, तो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के कंप्लीट नोट्स यहाँ अवेलेबल हैं। और ये हिंदी में मिलेंगे आपको, इंग्लिश में भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड मिलेंगे। इसके में जो कोचिंग संस्थान पीडीएफ बुक कहते हैं कि ये बुक्स आप पढ़िए पॉइंट टू पॉइंट, वो बुक्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा ये सारे जो नोट्स हैं वो नोट्स ग्रुप पर मिलेंगे। जो डिस्कशन ग्रुप पर है वो डेली रात्रि 9:30 से लेकर 11 बजे तक आपका डिस्कशन कराया जाता है टॉपिक वाइज, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे जो आप पढ़ते हैं वो भूलें ना। एक्चुअली में होता है क्या, जैसे ही आप पढ़ते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं, तो ये समस्या यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। हमारा तीसरा ग्रुप है प्रैक्टिस ग्रुप। प्रैक्टिस ग्रुप पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। नए पुराने दोनों क्वेश्चन होते हैं, जिससे नए नए क्वेश्चन भी आपके पकड़ में आते हैं। ये सब केवल 299 की मेंबरशिप से। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि आप जुड़ना क्या लाभप्रद है, तो बिल्कुल लाभदायक होगा अगर आप जुड़ते हैं, क्योंकि अभी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसको लगभग 10 दिन बचे हैं, 10 दिन मान के चलते हैं या 9 दिन। तो अभी क्या होगा, अगर आप जुड़ते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको वीक होंगे, यहाँ आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं और लगातार डिस्कशन होता है तो कई टॉपिक यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अगर आपके 50 क्वेश्चन या 70-80 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, अगर मान लेते हैं 20 क्वेश्चन हमसे जुड़ने से सही हो गए, आप मेरिट में जगह बना लेंगे, और केवल अगर 80 सही हुए तो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। दूसरा, टीजीटी के बाद तुरंत पीजीटी लगा है तो पूरे नोट्स उसके भी अवेलेबल हैं, तो अगर टीजीटी में कहीं गलतियां होती हैं तो पीजीटी में आप रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जीआईसी का एग्ज़ाम लगा है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, तो वहाँ यहाँ 100% समय, वो एक माह का समय है जहाँ आपको 100% तैयारी हो जाएगी। मैं श्योर कहता हूँ आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर मन से पढ़ते हैं। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा जानकारी दे दें कि जैसे ही पीजीटी का एग्ज़ाम खत्म होगा, ध्यान रखें पीजीटी को 17-18 अगस्त को है, जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा उसके दूसरे ही दिन जीएस और जीके का एक अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा। जो हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर हमसे अब तक जुड़ चुके हैं, सबको उस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जो जीआईसी का एग्जामिनेशन है, जीआईसी में जो जीएस और जीके पूछी जानी है वो वहां से कवर हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा उसको बना दूं और सिर्फ जो मेंबर होंगे उनको ज्वाइन करा देंगे। तो अभी आज ही जुड़िए, तुरंत जुड़िए, सोचिए नहीं, ज़्यादा विचारिए नहीं, क्योंकि जुड़ेंगे तो लाभ 100% मिलेगा। और जैसे ही पीजीटी का एग्ज़ाम खत्म होगा आपको जीएस जीके का भी मैटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और ये जो पेमेंट करनी है 299 की, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम या फिर इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना, हमें इस नंबर पे सेंड कर देना, हम आपको तत्काल ग्रुप सेट कर देंगे। शुरू करते हैं वीडियो। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्केलियोडॉन में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्पाइरल वाल्व इज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल। आप जो स्पाइरल वाल्व होती है वो किसकी एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलती है। जो स्पाइरल वाल्व होती है वो उसको स्क्रॉल वाल्व के भी नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्रॉल वाल्व के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा स्क्रॉल वाल्व के भी नाम से जानते हैं। ये कॉन्ड्रिक्थीज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एक क्लास है, कौन सा, कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्डक्थीस क्लास है, जिसमें कॉन्डक्थीस का सदस्य कौन सा, स्केलियोडॉन, क्या होना है, स्केलियोडॉन उसका सदस्य है, तो ऑप्शन इसका कर देंगे स्केलियोडॉन में ये देखने को मिलती है। और देखिएगा स्केलियोडॉन के कुछ खास लक्षण भी हैं, इसमें हेट्रो सर्कल टेल पाई जाती है, हेट्रो सर्कल, ये क्वेश्चन बना है, हेट्रो सर्कल टेल का पाया जाना इसका विशेषीकृत लक्षण है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है लीड्स इनटू द क्लोएका, क्लोएका में खुलता है, मेल पजेस द क्लैस्पर्स, और इसमें क्या होता है, इनका जो नर होता है नर में क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली में हेमी पेनिस होते हैं। क्या होते हैं, हेमी पेनिस होते हैं।
ये कोई भी व्यक्ति नहीं बताएगा, वो केवल बताएगा हाँ बी सही है, चलिए आगे बढ़िए। तो ये डाटा है जो स्केलियोडॉन से बन सकता है। इंडो स्केल्टन ऑफ द स्केलियोडॉन मेडअप ऑफ, स्केलियोडॉन का अंतः कंकाल होता है। तो चूंकि ये किसका सदस्य है, तो कॉन्डिक्थीस का सदस्य है। किसका है? कॉन्डिक्थीस का सदस्य है। तो इसका मतलब इसका जो अंतः कंकाल होगा वो कॉर्टिलेज का बना होगा, क्योंकि उनका अंतः कंकाल किसका बना होता है? कॉर्टिलेज का बना होता है, ध्यान रखिएगा। और इनको इलास्मोब्रैंक्स के भी नाम से जानते हैं। इसको स्केलियोडॉन का दूसरा नाम है डॉग फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग फिश के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें घ्राण तंत्र पाया जाता है या ऑल्फैक्ट्री संरचना पाई जाती है जो कुत्तों की तरह सूंघ सकती है, इसीलिए इसको डॉग फिश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इनके, चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, नहीं तो अगर यहाँ ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन देने लगे तो पता लगा यही बताते रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ एक एक और देख लो, अगर स्केल पूछा है, स्केल पूछ सकता है, तो प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं। कौन से? इसका प्लेक्वाइड स्केल इसमें देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, डॉग फिश में पूछता है कौन से स्केल मिलते हैं? प्लेक्वाइड। कॉर्टिलेजनस फिश में कौन से स्केल मिलते हैं? प्लेक्वाइड स्केल्स मिलते हैं। तो ये TGT बायोलॉजी 2013 में सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्केलियोडॉन में लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, तो कैसी होती हैं? तो न्यूक्लिएटेड होती हैं, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होती हैं, अंडाकार होती हैं और केंद्रक युक्त होती हैं। PGT बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन सेम टू सेम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉग फिश इज रिलेटेड टू विच ग्रुप? डॉग फिश किस ग्रुप से संबंधित है? तो डॉग फिश के ग्रुप की अगर बात करें, तो जब इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें से कई संरचनाएं देखने को मिलती हैं। फटाफट एक बार क्लासिफिकेशन आपको दिखा दें, जिससे क्वेश्चन चूंकि यहाँ क्लासिफिकेशन से बना है तो गड़बड़ ना हो। तो देखिए जो कॉर्डेट्स होते हैं, जो कॉर्डेट हैं, कॉर्डेट्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट, और इसका दूसरा जो भाग है अब उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। तो प्रोटोकार्डेट्स में कल हमने बता दिया था तीन भागों में, हेमी, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये बताया था ना कल, कल के वीडियो में। हेमी में ब्लेनोग्लासस आता है, यूरो में आता है आपका हार्डमानिया। कौन सा आता है? हार्डमानिया आता है, हार्डमानिया आता है। सिफेलो में एम्फियोक्सस आता है। वर्टिब्रेटो को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया है एगान्था, एगनाथा, सॉरी एगनाथा, और एक बताया गया है गैंथोस्टोमाटा, गैंथोस्टोमाटा, ये भागा। एगान्था में कौन सा आता है? तो इसमें साइक्लोस्टोमा आता है, जिसमें पेट्रोमाइजोन आता है, क्या पेट्रोमाइजोन, और इसमें आते हैं क्या, इसमें आते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें प्रायः पिसीज आती हैं। क्या आती हैं? पीसीज, पीसीज में मछलियाँ आती हैं। और स्केलियोडॉन किसका सदस्य? मछलियों का। और दूसरा आता है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में क्या आते हैं? एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स, ये है इनका क्लासिफिकेशन। तो अब यहाँ चूंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि डॉग फिश किस समूह में आता है, तो यहाँ उतना लंबा नहीं दिया है, तो उसने गैंथोस्टोमेटा दिया। गैंथोस्टोमेटा में क्या आता है? गैंथोस्टोमेटा के दो भाग हैं, एक है वर्टिब्रेट, एक है टेट्रापोडा, क्या है? टेट्रापोडा, चार पैर वाले, और दूसरे हैं पीसीज, क्या है? पिसीज। पिसीज में क्या थी? मछली। मछलियों को दो वर्ग में बांटा गया है, जिसमें कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टियोक्थीज। ऑस्टियोक्थीज में क्या होते हैं? बोनी फिश बोलते हैं, और इसको कार्टिलेजनस फिश बोलते हैं। तो ये किस में आ रहा है? गैंथोस्टोमेटा में आ रहा है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होगा दुनिया का, आप कुछ भी पढ़ लें आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने से एग्ज़ाम निकलते हैं, ना कि हवा में निकलते हैं, ABCD पढ़ के नहीं निकलते हैं। देखिए फिर वो क्वेश्चन आ गया, स्क्रॉल वाल्व इज फाउंड इन PGT बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। स्क्रॉल वाल्व किस में देखने को मिलता है? स्केलियोडॉन में। पहला क्वेश्चन हमने इसी से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी इन स्केलियोडॉन रिस्पॉन्ड टू, जो एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी होती है, तो स्केलियोडॉन में जो एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी पाई जाती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एम्पुली ऑफ जो लोरेंजिनी होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है क्या? थर्मोरिसेप्टर। क्या होता है? थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर का मतलब होता है ताप का ज्ञान कराना, ताप का ज्ञान कराना। और
ये कहाँ पाई जाती है? डॉर्सल और वेंट्रल रीजन पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डॉर्सल एंड वेंट्रल रीजन पर हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन क्या करा देंगे? हीट। किससे संबंधित है? हीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किडनी आर द ऑपिस्थोनेफ्रिकिन, वृक्क जो होते हैं ऑपिस्थोनेफ्रिक होते हैं, किसमें ऑपिस्थोनेफ्रिक वृक्क देखने को मिलते हैं? तो स्केलियोडॉन में ऑपिस्थोनेफ्रिक वृक्क हमें देखने को मिलते हैं। कौन से वृक्क मिलते हैं? ऑपिस्थोनेफ्रिक वृक्क देखने को मिलते हैं। ये देखिएगा डॉगफिश है, और ये हमने आपके लिए डाटा लेके रखा था। पूरी कोशिश करते हैं कि डाटा मिस ना हो। तो ये देखिएगा, द ऑपिस्थोनेफ्रिक द फंक्शनल एडल्ट किडनी ऑफ लैम्प्रे साइक्लोस्टोमम पाया जाता है, मोस्ट फिशेज में यानी मछलियों में पाया जाता है, और एम्फीबियंस में पाया जाता है। क्योंकि डॉग फिश में किस में आती है? मछली है, तो इसलिए हमने इसको स्केलियोडॉन लगा दिया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मछली स्केलियोडॉन, ये स्केलियोडॉन मछली आप देख रहे होंगे चित्र पर, ये इसकी फिर जो फिन होती है हेट्रोसर्कल होती है, यानी दोनों तरफ फिन बराबर नहीं होते हैं। इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं वो 7 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 7 पेयर दिखाई देते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गिल स्लिट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, और 3 2 5 प्राय 5 पेयर आप लिख लीजिएगा, मैं फिर भी चेक करके देखता हूँ, 5 पेयर दिखाई देते हैं। तो ये स्केलियोडॉन है, इसको हम डॉग फिश के भी नाम से जानते हैं। इसका भाग पूछते हैं, कितने भाग में बटा रहता है? 3 हेड, ये हेड है, ये ट्रंक है, और टेल, 3 भागों में इसका शरीर बटा रहता है। और इनकी आई पर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई, इस पर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इनमें पेयर अनपेयर दोनों फिन पाए जाते हैं। और ध्यान रखें, लेटरल लाइन कंटेनिंग रिसेप्टर ऑर्गन्स, इनमें एक लेटरल लाइन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेटरल लाइन पाई जाती है, जो कि किस तरह काम करती है, ये देखेगी, ये वाली लाइन जो गई है, ये बीच में लाइन दिख रही है, इसे लेटरल लाइन बोलते हैं। लेटरल लाइन होती कैसी है? तो ये रिसेप्टर होती, कैसी होती है? रिहो रिसेप्टर होती है। कैसी होती है? रिहो रिसेप्टर होती है, रिहो रिसेप्टर होती है, और अथवा ये कह सकते हैं करंट रिसेप्टर होती है, जो जल की धारा होती है उसके प्रति करंट रिसेप्टर होती है। ये कहीं आपको डाटा कोई नहीं बताएगा, और खासकर YouTube पर कोई भी इस तरह का डाटा आपको नहीं उपलब्ध कराता है। सब बस A का B, B का C, C का D सही है, हो गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है लेटरल लाइन किस प्रकार का रिसेप्टर है, तो रिहो रिसेप्टर दे दे या करंट रिसेप्टर दे दे, तो आपको सही करना है लेटरल लाइन से जो क्वेश्चन पूछते हैं। और चूंकि मेल यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें जो हेमीपेनिस पाए जाते हैं उनको हम क्लैस्पर्स के नाम से जानते हैं, और जो इनमें फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, और ये होते कैसे हैं? वीविपेरस होते हैं। तो ये डाटा था स्केलियोडॉन का। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आते हैं, नया टॉपिक है हमारा राना और यूरोमेस्टिक्स, राना टिग्रीना और यूरोमेस्टिक्स की बात करेंगे। तो एक हमें लगता है पूरा का पूरा पेज ही छोड़ दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, यूरोमेस्टिक्स में अवस्कर द्वार बटा होता है। तो यूरोमेस्टिक्स में जो अवस्कर द्वार होता है वो बटा होता है, तो कितने भागों में हमें अवस्कर द्वार दिखाई देता है? तो प्रायः अवस्कर द्वार जो इनका होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? प्रायः 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से होते हैं? काप्रोडियम, यूरोडियम और प्रक्टोडियम, ये 3 भागों में बटा रहता है। ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3 भागों में बटा होता है। इस तरीके से अगर हम इनका अगर चित्र देखना चाहें, तो इस तरीके से इसमें 3 खाने खुलते हैं। तो अब इनका कार्य क्या है, या इस तरह जो विभाजित होते हैं, और जितने भी रिप्टाइल्स होते हैं ये ट्राई पार्टिएट होते हैं, यानी 3 कोष्ठों में विभाजित होते हैं। इनका जो भाग होता है, तो इनका जो अग्रभाला भाग होता है उसको काप्रोडियम बोलते हैं। ये क्या होता है? इंटीरियर पार्ट या अग्रभाग होता है, ऐसे लिख लेते हैं। अग्रभाग काप्रोडियम होता है। ये रेक्टम में खुलता है। ये किस में खुलता है? रेक्टम में, अर्थात इससे मल निकलता है बाहर, रेक्टम में खुलता है। दूसरा भाग होता है इनका मध्य का, ये मिडिल भाग होता है, यानी ये भाग मध्य का होता है। और ये खुलता किस में है? तो ये खुलता है मूत्रवाहिनी में। किस में खुलता है? मूत्रवाहिनी में, मूत्र यूनरी
जो मूत्र वाहिनी में खुलता है, दूसरा जनन वाहिनियों में भी खुलता है। किसमें खुलता है? जनन वाहिनियों में भी खुलता है। लास्ट वाला भाग होता है प्रक्टोडियम, जो कि क्लोइकल अपर्चर होता है। क्या होता है? क्लोइकल अपर्चर होता है। प्रक्टोडियम क्या होता है? लास्ट का पार्ट होता है और ये क्लोइकल अपर्चर होता है, और ये क्या करता है? ये बाहर की ओर खुलता है। कहाँ खुलता है? बाहर की ओर। तो इस तरह उसमें कितने भाग हमें दिखाई दिए? तीन भाग। अब यहाँ से कभी कभी पूछ सकता है रेक्टम किसमें खुलता है, तो काप्रोडियम में खुलता है, और जो मूत्रवाहिनी और जनन अंग जो खुलते हैं वो यूरेडियम में खुलते हैं, और प्रक्टोडियम कहाँ खुलता है? बाहर की ओर खुलता है। तो ये पूरा का पूरा आपको डाटा हमने उपलब्ध करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज, मेंढक में वाई के आकार की हड्डी होती है, तो कौन सी होती है? टेरिगॉइड होती है। जो टेरिगॉइड बोन्स होती है वो कैसी होती है? वाई के आकार की संरचना बनाती है, इस तरीके से, जिसे हम टेरिगॉइड बोलते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है रेट ऑफ द हार्ट बीट ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का रेट हार्ट बीट कितनी होती है? तो एक्चुअली में 40 से लेके 50 होती है, परंतु नॉर्मल टेम्परेचर पे, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर जो हार्ट बीट होती है वो 64 होती है। तो ऑप्शन हम लगा लेंगे ए को, हार्ट बीट। ये टीजीटी बायोलॉजी 1999 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है डिजिटल फार्मूला ऑफ फॉर लिम्स इन फ्रॉग, मेंढक में अग्रपाद की अंगुली स्थित सूत्र होता है। अग्रपाद की अंगुली सूत्र क्या होता है? तो इसका हमने डाटा लेके रखा था, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमने लेके डाटा रखा है, अगर यहाँ आपकी नज़र जा रही हो, फॉर लिम अगर दिख रहा हो तो कितना होता है? 0, 2, 2, 3, 3, यानी 22, 33, 0, 22, 33। और हिंड लिम का कितना होता है? 22 और 33, नहीं करेंगे 22 और 34, 3, या बोल देंगे 22, 34, 3, या 2, 2, 3, 4, 2। तो ये होता है पिछले वाले हिस्से का, और ये होता है अग्र का। तो कितना होगा अग्र? और ये खरगोश का दिया है 23, 3, 3, 3, यानी 5 होता है तो 1 बार 2, फिर बकाया 3, 3, 3। और जो हिंड लिम में होता है तो आगे का 2 हटा दो, बकाया 3, 3, 3, ये इतना अंतर है। तो देख लेते हैं 22, 33 क्या है? 22, 33, देखते हैं कहीं 22, 33 है, तो ये दिया है ए। तो क्या होगा? अग्र का क्या होता है? 0, 2, 2, 3, 3, और इसके पश्च का क्या होता है? पश्च का होता है पश्च का क्या होता है? अभी हमने इसको बताया था, ये पश्च का होता है 22, 34, 3। तो पश्च का क्या होता है? 22, 34, 3। तो 22, 34, 3, 2, 2 क्या आएगा? 2, 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 3, 22, 34, 3, ये होता है पश्च का। और उसका उसका क्या होता है? खरगोश का, खरगोश का जो जो खरगोश का होता है अग्र का, अग्र का क्या लगा लेंगे? तो वहाँ दिया था 2, 1, 2, 3, 4, ये होता है। और पश्च का, खरगोश का क्या होता है? तो खरगोश के पश्च का होता है 0, 1, 2, 3, 4, ये होता है खरगोश के पश्च का। रट लीजिएगा, कोई नहीं जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द जायगोट ऑफ फ्रॉग, मेंढक के युग्मज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 26। कितनी होती है? 26। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यूरोमास्टिक्स का शरीर बटा होता है, तो यूरोमास्टिक्स का जो शरीर बटा होता है वो कितने भागों में बटा होता है? जब हम यूरोमास्टिक्स की बात करते हैं तो यूरोमास्टिक्स का जो शरीर है वो कई भागों में बटा होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं उसके। तो इसके जो 4 भागों में बटा रहता है, पहला भाग इसका कहलाता है हेड, और दूसरा भाग इसका कहलाता है आपका नेक, और तीसरा भाग इसका कहलाता है ट्रंक, और चौथा भाग कहलाता है टेल। तो इतने भागों में बटा रहता है, हेड हेड नेक नहीं 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 ये हेड नेक ट्रंक टेल इतने भागों में बटा रहता है। इसको ये क्या होती है? शर्मीली होती है। कैसी होती है? शर्मीली होती है। इसे सांडा के भी नाम से जानते हैं। इसका तेल भी निकाला जाता है, जो विभिन्न प्रकार की जनन समस्याएं होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। सोंडा ऑयल, सांडा ऑयल सुना होगा। तो इस तरह इसकी पूंछ जो होती है कंटकी होती है, ध्यान रखिएगा, कंटकी होती है, और ये मरुस्थलों में पाया जाता है। ये मोटी
पत्तियां जो होती हैं उनको खाता है और कीड़ों को भी खाता है। तो इस तरीके से यूरोमेस्टिक्स होता है। और इसमें क्वेश्चन और बनता है कि जो प्रेनो फीमोरल पोर्स कहाँ देखने को मिलती हैं, तो इनके जो पश्च पैर होते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें ये देखने को मिलती हैं। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राना टिग्रीना बिलोंग टू द ऑर्डर, किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? तो एन्यूरा को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? एन्यूरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द थिक मस्कुलर प्रोजेक्शन ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर कॉल्ड, जो थिक कह सकते हैं उभार होता है, थिक मस्कुलर प्रोजेक्शन होता है ऑन वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर कॉल्ड, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? इसे हम बी नंबर यानी कॉलुमिनाई कर्नाई के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। बैकल कैविटी ऑफ फ्रॉग लाइंड बाय, जो इसकी बकल कैविटी होती है मुख गुहा होती है, तो वो किसके द्वारा आस्तारित होती है? तो इसकी बकल कैविटी प्रायः कॉलमर एपिथिलियम, जो कॉलमनर एपिथिलियम है उसके द्वारा आस्तारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग बोन्स ऑफ फ्रॉग स्कल विच वन सिंगल, इनमें कौन सी बोन है जो कि सिंगल होती है या अकेली पाई जाती है या अनपेयर्ड होती है? तो वो क्या है? पैरा स्फिनॉइड जो बोन होती है वो कैसी होती है? सिंगल होती है। पैरा स्फिनॉइड जो बोन होती है वो सिंगल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्वर्टेड टी शेप्ड। देखिए टी शेप्ड क्या है? पैरा स्फिनॉइड बोन, जो कि अभी कैसी बता रही थी, कह रहा था सिंगल होती है। तो फाउंड इन कहाँ पाई जाती है? तो ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द क्रेनियम ऑफ द फ्रॉग, जो इसका वेंट्रल सरफेस होता है उसके क्रेनियम से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका भी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है स्केलियोडॉन होता कैसा है। तो यहाँ चूंकि स्केलियोडॉन क्वेश्चन है, तो स्केलियोडॉन होता कैसा है तो बताइएगा? तो वीवी पेरस होता है। स्केलियोडॉन जो हमें देखने को मिलता है वो कैसा होता है? वीवी पेरस होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी कहीं कहीं ओवो वीवी पेरस दिया है, कहीं वीवी पेरस दिया है, तो इस तरह ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, मगर हम इसको वीवी पेरस करेंगे क्योंकि कोट पाल में जो इसका मुख है वो वीवी पेरस दिया है। क्या दिया? वीवी पेरस दिया है। कुछ जातियां ओवो वीवी पेरस भी होती हैं, मगर हम ऑप्शन इसका भी सही लगाएंगे। इन द फ्रॉग द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, तो क्रैनियल नर्व्स में कितनी होती हैं? 10 पेयर होती हैं। कितनी होती है? 10 पेयर। तो यहाँ 10 पेयर तो दिया नहीं है। कितना? फ्रॉग द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ द क्रैनियल नर्व, सिर कितने पेयर्स होती हैं? अच्छा, पेयर्स दिया है, ये शब्द क्या लगा है? कितने पेयर? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व, कितने पेयर्स होती हैं? तो लगाएंगे 10 पेयर, क्योंकि कितनी होती है? 20। अगर ये पेयर शब्द ना लगा होता तो क्या लगाते हैं? 20 को। ध्यान रखिएगा, चूंकि पेयर सब लगा है, कितने पेयर हैं, तो हम सीधे 10 लगा देंगे और आंसर में चूंकि पेयर सब दिया है तो ऑप्शन आएगा। तो और कौन कौन सी होती हैं? ऑल्फैक्ट्री, कौन कौन सी होती हैं? ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डूसेंस, फेशियल, और फेशियल के बाद आती है ऑडिट्री, और ग्लासोफेरेंजियल, ग्लासोफेरेंजियल के बाद आती है वेगस। कितनी हो गई? वेगस, हाँ इतनी आती है। फिर स्पाइनल एसेसरी आती है और फिर आती है हाइपोग्लॉस, हाँ वेगस तक ही है, 10 हो गए। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द थिन टैकेबल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रॉग ऑफ स्किन इज कंपोज्ड ऑफ, जो इसकी टैकेबल मेम्ब्रेन होती है फ्रॉग की, स्किन जिससे ढकी रहती है, वो कैसी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 907 का ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो 907 का हम लोग सही कर लेते हैं बी को। स्क्वामस, स्क्वामस एपिथीलियम, कैसी होती है? स्क्वामस एपिथीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द स्किन ऑफ फ्रॉग क्रोमेटोफोर आर प्रेजेंटिंग, जो इसका फ्रॉग की जो स्किन होती है, ध्यान रखिएगा स्किन, स्किन में जो क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटोफोर जो पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर वो किस में पाए जाते हैं? तो डर्मिस में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे और हम इसका कुछ और डाटा आपको देना चाहेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर रेप्टाइल्स की बात करते हैं, चूँकि रेप्टाइल्स में बहुत कम डाटा दिया है हमने, तो रेप्टाइल्स में स्कल अगर पूछता है कैसी होती है, तो मोनोकंडाइलिक होती है। ध्यान रखिएगा, मोनोकंडाइलिक होती है, मोनो
कंडाइलिक होती है, स्कल अगर पूछता है, और अगर रेस्पिरेशन पूछता है तो पल्मोनरी होता है। कैसा होता है? पल्मोनरी होता है। और अगर किडनी पूछता है तो किडनी मेटामॉर्फिक होती है। कैसे होती है? मेटा नेफ्रिक होती है, नेफ्रिक होती है, मेटा नेफ्रिक होती है। और ये जो रेप्टाइल्स में एक्सक्रीशन होता है, ये यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक का मतलब यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, यानी जल को बचाते हैं। हार्ट इनका कैसा होता है? तो फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, चार हृदय, चार कक्ष वाला होता है। और इनकी एलिमेंट्री कैनाल क्लोइका में खुलती है। क्रैनियल नर्व्स पूछे तो 12 पेयर पाई जाती हैं। और इनमें ऑल्फैक्ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जैकॉब्सन ऑर्गन्स होता है, जैकॉब्सन ऑर्गन्स होता है। और कालूमेला आरियस प्रेजेंट इन ईयर, इनमें एक संरचना होती है, ध्यान रखिएगा, कालूमेला आरियस, ये कहाँ पाई जाती है? तो इनके ईयर में पाई जाती है, इनके कान में देखने को मिलती है। और ये ओवी पैरस होते हैं, हैविंग क्लीडोइक एग, इनमें एग जो होता है वो क्लीडोइक होता है। रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं चूँकि यूरोमेस्टिक्स की ही इसमें आएगा। और इनमें तीनों मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी? एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, इनमें लार्वल स्टेज नहीं होती है। और स्फिनोडॉन जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसे टाउटेरा के भी नाम से जानते हैं, स्फिनोडॉन को। कभी कभी पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको। तो हमने दो तीन क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन इसमें बना था, हमें लगता है वो लिया नहीं है हमने। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभी बना है, हमने क्वेश्चन, हमें लगता है धोखे से छूट गया है, और ये हमने उसी के लिए लगा के रखा था, और वो हमें लगता है छूट गया क्वेश्चन, या जो टाइपिंग वाले को दिया था या जो मैटर तैयार कर रहा था उसने छोड़ दिया क्वेश्चन, तो भूल में छोड़ दिया होगा। तो एक उसमें आया था कि फोराम एंड मैग्नम, ये वाला क्वेश्चन आया, इसीलिए ये चित्र भी हमने लगा के रखा था आपके लिए, कि जिससे समझा दें। वो क्वेश्चन बना था पीजीटी में, फोराम एंड मैग्नम किसके द्वारा कवर्ड रहता है, ये क्वेश्चन बना था। फोराम एंड मैग्नम जो होता है किसके द्वारा कवर्ड रहता है? तो ऑक्सीपिटल कंडाइल के द्वारा कवर रहता है। किससे रहता है? ये देखिए, फोराम एंड मैग्नम देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर ये ऑक्सीपिटल कंडाइल है। ये पीजीटी में क्वेश्चन बना था, इसको लिया भी था और हमने दिया भी था कि उसको व्यवस्थित कर दे क्वेश्चन को, मगर हमें लगता है उसने गड़बड़ कर दिया, छोड़ दिया। और हम इससे पहले इस मैटर को लगा चुके थे सही लाइन में, तो इसीलिए चित्र बना। एक और क्वेश्चन दिया था, वो भी हमें लगता है छोड़ दिया है। एक क्वेश्चन ये बना था, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बना था डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस, या इसका दूसरा नाम जो दिया हुआ था, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, क्वेश्चन अब देख लूँ मैं, ध्यान रखिएगा। ये 2000 पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चन छूटा है, हम आपको बता रहे हैं। तो पीजीटी बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन था डक्टस बोटेली इज प्रेजेंट इन, डक्टस जो बोटेली है वो किस में देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन बना था। डक्टस जो बोटेली है वो किस में देखने को मिलता था? तो ये डक्टस आप एटेरियोसस है, इसी को डक्टस आप बोटेली के भी नाम से जानते हैं। तो इसके लिए हमने बाकायदे आपके लिए मटेरियल भी छांट के रखा था, जिससे आप भूलें ना, चूँकि क्वेश्चन ये, और डाटा भी हमने उसको आपको लिए रखा था कि डक्टस जो आर्टेरियोसस है, आल्सो कॉल्ड द डक्टस बोटेली के नाम से जाना जाता है, आफ्टर इटालियन जो फिजियोलॉजिस्ट थे लिनार्डो बोटेलो, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। इज ए ब्लड वेसल्स इन द डेवलपिंग फीटस कनेक्टिंग द ट्रंक ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी टू द प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग एरोटा। तो इसका आंसर वहाँ जो दिया हुआ था वो था फ्रॉग। तो डक्टस बोटेली से क्वेश्चन बना है, इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2002 पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उसने हमारे मिस कर दिए हैं, मगर हम ही चूँकि चित्र पहले से ही हम व्यवस्थित कर देते हैं जब मैं फ्री होता हूँ, तो इसलिए वो चित्र दिख गए, तो वो क्वेश्चन भी पकड़ में आ गए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर करें। इसी के साथ नमस्कार।